नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़ में, हम आपके साथ पवन तिवारी। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं बुलेटिन। यूपी के पांचवें चरण चुनाव से पहले सपा की सांसद जया बच्चन ने किया सपा का प्रचार। अखिलेश यादव के लिए पढ़ी ये कविता। वहीं अखिलेश सरकार के कामों की तारीफ। कहा यूपी की हर समस्या का हल अखिलेश की अकल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दी जानकारी। तेलंगाना में परीक्षण के दौरान विमान के साथ हुई दुर्घटना। दुर्भाग्यवश दुर्घटना में एक स्टूडेंट पायलट की हो गई मौत। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा नेता आरपीएन सिंह को बताया पिद्दी नेता। सवाल पूछे जाने पर कहा नाम लेते ही हो गया मूड खराब। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने किया दावा फ्रांस करेगा यूक्रेन की मदद। ट्वीट करके दी जानकारी कि फ्रांस हमें जल्द ही हथियार और दूसरी सैन्य सामग्री से करेगा मदद। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के AI-1943 विमान ने रोमानिया के हवाई अड्डे से मुंबई के लिए भरी उड़ान। 219 छात्रों को लेकर पहुंचेगा भारत। खेल जगत से बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी भारतीय टीम। पहले मैच में 62 रन से श्रीलंका को भारतीय टीम ने हराया था। ऋतुराज गायकवाड़ हुए टीम इंडिया से बाहर। रणजी ट्रॉफी के एक लीग मैच में चंडीगढ़ के विष्णु सोलंकी ने बेटी के निधन के बाद मैच में जड़ा शतक। सोशल मीडिया पर विष्णु सोलंकी को कर रहा है हर कोई सलाम। लिखा अपनी नवजात बेटी के अंतिम संस्कार के बाद मैदान में उतरकर विष्णु ने दिखाया असली खेल भावना। बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर, हर्षवर्धन राणे स्टारर सनम तेरी कसम के सीक्वल पर इस साल सितंबर अक्टूबर में शुरू होगी शूटिंग। पहला शेड्यूल मुंबई और दिल्ली में होगा शूट। इस बात की जानकारी खुद डायरेक्टर विनय सरपू और राधिका राव ने दी। रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट करके दी जानकारी। उनकी फिल्म खतरा डेंजरस 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म का सब्जेक्ट समलैंगिक पर है बेस्ड। रिलायंस लिमिटेड ने फ्यूचर रिटेल स्टोर को खोलने की कर ली पूरी तैयारी। कमान लेगा अपने हाथ में, अपने कर्मचारियों को दी नौकरी की पेशकश। आपको बता दें कि फ्यूचर और अमेजन के साथ अपने बिजनेस की बिक्री को लेकर अदालत में लड़ी जा रही है कानूनी लड़ाई। ये थी दिन भर की 10 तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।